हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 9B, एक्सरसाइज 9B जो कि हमारा चैप्टर नेम होगा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल। ये जो हमारा होगा ये आरएस अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर वन से ही कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस एक्सरसाइज और इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो में हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू जाके आप प्रीवियस क्वेश्चंस को और इसके प्रीवियस एक्सरसाइज को जरूर देख लें, ताकि उस क्वेश्चंस में आपको जो भी डाउट हैं वो डाउट वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाए और उस बेस पे जब आप ये क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको काफ़ी आसानी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आए। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 9B का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें बोला जा रहा है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, क्या ये पॉसिबल है कि इससे एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया जाता है विथ लेंथ ऑफ इट्स साइड एज गिवन बिलो, जिसका लेंथ जो उसके साइड का जो लेंथ है वो आपको गिवेन है। पांच क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5, गिव रीजन फॉर योर आंसर, और आपको रीजन भी देना है कि क्यों पॉसिबल है और क्यों नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं करना क्या होता है। आप देखिए कि मान लीजिए मेरे पास दो ट्रायंगल है, सॉरी एक ट्रायंगल है, एक ही ट्रायंगल है, देखना एक ट्रायंगल है ABC। जब एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट हम कब कर सकते हैं, बस एक ही कंडीशन होता है कि किसी भी दो साइड को जोड़ें तो तीसरा साइड से ग्रेटर होना चाहिए, किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड के से ग्रेटर होना चाहिए। जैसे यहां पे हम दो साइड लेते हैं AB + BC, ये ग्रेटर होना चाहिए AC से, फर्स्ट हुआ। सेकंड क्या हो सकता है, अभी हम AB लिए हैं और BC लिए हैं, सेकंड हम किसको ले सकते हैं, BC + AC लेंगे तो ये ग्रेटर होना चाहिए AB से, ये सेकंड चांस हुआ। थर्ड चांस क्या हो सकता है कि हम AC और AB को लें तो ये आपका BC से ग्रेटर होना चाहिए, यानी इस तीनों कंडीशन को हम चेक करेंगे और तीनों कंडीशन में आपका क्या होना चाहिए, जो थर्ड साइड है उस थर्ड साइड जो है इन दोनों का सम से लेस होना चाहिए, यानी दोनों का सम ग्रेटर होना चाहिए, इस ये छोटा होना चाहिए, ये दोनों का सम बड़ा होना चाहिए। सिंपल, कोई भी साइड हो, या तो ये दोनों साइड हो या फिर ये दो साइड हो या फिर ये दो साइड हो, दो साइड को आप सम करें, तीसरे से हमेशा वो दोनों साइड का सम बड़ा होना चाहिए, बस यही है। अब देखते हैं नंबर फर्स्ट में यदि हम इन दोनों साइड को जोड़ें 5 + 4, तो ऐसे तो ये 5 और 4 हमारे पास जो आना चाहिए वो ग्रेटर का सिंबल आना चाहिए, है क्या 9, लेकिन आपको भी पता है कि 5 और 4 जब आप जोड़ेंगे तो 9 ग्रेटर नहीं होगा, 9 इक्वल होगा, 9 इक्वल होगा। तो हम अभी क्या आपको बताएं कि सारा आपको ग्रेटर होना चाहिए, यहां पे तो ग्रेटर है नहीं, तो यहां पे रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे बिकॉज द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नॉट ग्रेटर देन द साइड। ठीक है, यानी कि हम यहां पे क्या लिखे, हम आपको लिखे हैं कि दो साइड को बिकॉज द सम ऑफ टू साइड्स, जब हम दो साइड्स को हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में, तो नॉट ग्रेटर देन द साइड, यहां पे ग्रेटर नहीं है, यहां पे क्या है, इक्वल है, इक्वल आना क्या चाहिए था, हमें दोनों साइड का ग्रेटर आना चाहिए था तभी ये पॉसिबल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां पे लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट हो गया। सेकंड को हम देखते हैं, सेकंड को यदि हम ये दो साइड लें 8 और 7, 8 + 7 को लें तो थर्ड क्या 4 है, यानी कि आप देख लीजिए
फोर ग्रेटर है, एट और सेवन फिफ्टीन, फोर से तो ज़्यादा ही है ना, फर्स्ट केस हुआ। इन दोनों को लीजिए, सेवन प्लस फोर, सेवन प्लस फोर ग्रेटर होना चाहिए एट से, है भी, चेक कर लीजिए, सेवन और फोर इलेवन, एट से तो ग्रेटर है ना, मतलब इधर उधर बड़ा है ना, फिर दो केस हो गया। तीसरा केस लीजिए, एट और फोर को जोड़ते हैं, एट प्लस फोर को जोड़ते हैं तो एट और फोर ट्वेल्व, सेवन से तो बड़ा है ना, यानी कि हम तीनों को जोड़ लिए, एक बार इसको इसको तो भी इससे बड़ा था, एक बार इसको इसको तो भी इससे बड़ा निकला, और एक बार इसको इसको तो भी ये बड़ा निकला, तीनों कंडीशन आप देख लीजिए ग्रेटर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पॉसिबल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे, तो रीजन आप लिखेंगे बिकॉज द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन, क्या लिखेंगे, द सम ऑफ टू ट्रायंगल, द सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल, द सम ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन, ठीक है, इसका क्या है, ग्रेटर देन है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पॉसिबल हो गया, पॉसिबल। नंबर थर्ड चेक करते हैं, नंबर थर्ड पे आइए, नंबर थर्ड 10 प्लस 5 को ग्रेटर होना चाहिए 6 से, और है भी, आप देख लीजिए 10 और 5 को ऐड करेंगे तो 15 होगा, 15 6 से हमेशा बड़ा है, एक कंडीशन फुलफिल है। सेकंड चेक करते हैं, 5 प्लस 6 बड़ा होना चाहिए किससे, 10 से, है भी, चेक कर लीजिए, 5 और 6 11, 10 से बड़ा है। दूसरा हो गया, अब किसको, 10 और 6 को ना, 10 प्लस 6 ग्रेटर है 5 से, यानी ये भी जो है, जो हमारा कंडीशन है, यानी तीनों जो है ग्रेटर होना चाहिए, तो ग्रेटर है, फुलफिल हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पॉसिबल, ठीक है, ये आपका क्या है, पॉसिबल। रीजन सेम ही लिखेंगे, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन, ठीक है, तो बार बार रीजन हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लेंगे चूंकि मेरे पास जगह की कमी है। अब देखते हैं नंबर फोर, नंबर फोर क्वेश्चंस में आप ध्यान दें, नंबर फोर क्वेश्चंस को भी फिर इसी तरीके से अप्लाई करते हैं, यानी कि 2.5 प्लस 5 ग्रेटर होना चाहिए थर्ड से, सेवन से, और है भी 5 और 2.5, यानी 2.5 का मतलब ढाई होता है, तो 5 और 2.5 यानी 7.5 हो जाएगा ना, 7.5 हो जाएगा, 5 और 2 ऐड करें तो 7.5, यानी 7.5 सेवन से तो कभी भी बड़ा है ना, 0.1 भी हो लेकिन बड़ा तो बड़ा ही है, यानी कि बड़ा है, एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन देखते हैं, 5 प्लस 7 ग्रेटर होना चाहिए 2.5 से, है भी 7 और 5 ऐड कीजिए तो 12 है, दो कंडीशन भी फुलफिल कर लिया। तीसरा चेक करते हैं, यानी कि 2.5 प्लस 7 ग्रेटर होना चाहिए 5 से, और ये भी है, 7 और 2.5 यानी 9.5 ग्रेटर है 5 से, यानी ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका पॉसिबल है। लास्ट चेक कर लेते हैं, इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, इसका रीजन यही लिखेंगे कि द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन। नंबर फाइव चेक करते हैं, नंबर फाइव यहाँ पे है, चेक कीजिए, 3 प्लस 4 ग्रेटर देन होना चाहिए 8 का, 3 प्लस 4 7, 7 ग्रेटर देन है 8 का, क्या यहाँ पे तो 8 ही ग्रेटर देन हो गया, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन लिखेंगे द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड। यहां पे क्या रीजन लिखे हैं, यहां पे लिखे हैं कि द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड, यानी कि यहाँ पे जो थर्ड वाला साइड है आपका, जो थर्ड साइड है वही ग्रेटर देन हो गया, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे नॉट पॉसिबल होगा, ठीक है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, आप ध्यान से देख लेंगे, आपके पास 5 क्वेश्चन है, 5ों क्वेश्चन में आपको केवल चेक करना है कि वो पॉसिबल है, यानी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है या नहीं किया सकता है, और कंस्ट्रक्ट करने के लिए मेरे पास 3 रूल होते हैं, 3 स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं, यदि ये तीनों स्टेप फुलफिल हो गया तो
है और यदि तीनों में से एक भी ये भी एक भी नहीं फुलफिल करता है तो पॉसिबल नहीं है। और वो रूल क्या है कि कोई भी दो साइड लें, या तो ये साइड लें, दोनों को सम करेंगे तो इसका जो वैल्यू है इन दोनों से स्मॉलेस्ट होना चाहिए, मतलब ये छोटा होना चाहिए, इन दोनों को बड़ा होना चाहिए। दो चीज़ को जोड़ें तो बड़ा होना चाहिए ना, तीसरा से छोटा, ठीक है। अब यदि इसको इसको जोड़ते हैं तो भी आपका क्या होना चाहिए, ये हमेशा बड़ा होना चाहिए, सम वाला। इन दोनों को जोड़ते हैं तो भी बड़ा होना चाहिए, तीसरा से। तीनों में वही चेक किए और तीनों में हमने यही रिजल्ट निकाला कि ये जो है पॉसिबल नहीं है, दूसरा पॉसिबल है, तीसरा पॉसिबल है, चौथा पॉसिबल है और पांचवा पॉसिबल नहीं है। यानी कि इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 पॉसिबल है, 1 और 5 आपका पॉसिबल नहीं है। सारा रीज़न लिख दिए, आपको गिव रीज़न बोला जा रहा था तो रीज़न भी यहाँ पे लिख दिए हैं, सभी में लिख दिए हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का, 3 नंबर क्वेश्चन का और 4 नंबर का रीज़न सेम होगा, 1 नंबर का और 2 नंबर का, 5 नंबर का अलग होगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इक्वल वगैरह था इसलिए नहीं है, और यहाँ पे जो थर्ड साइड था वही ग्रेटर हो जाता था इसलिए ये इक्वल, ये कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता, पॉसिबल नहीं है। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।